नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि जो आज का वीडियो है उसका शीर्षक है कि नेवर गूगल यूर तो जी हां दोस्तों ये जो वीडियो है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेरे जितने भी पेशेंट देख रहे हैं मतलब यहाँ पे इस वीडियो को जो भी देख रहा है खासकर अगर वो एक पेशेंट है वो एक मरीज है वो कोई एक बीमारी से ग्रस्त है कोई एक बीमारी उसको पकड़ के रखी है और वो अपनी बीमारी को लेकर के और बीमारी के अंदर सफरिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हैं खासकर जो लोग पेशेंट हैं और जो लोग अपनी बीमारी के बारे में गूगल पे यूट्यूब पे कम्युनिटी फोरम में कम्युनिटी कम्युनिटी ब्लॉग के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और इसलिए इस वीडियो का जो शीर्षक है वो मैंने दिया है नेवर गूगल यूर सिमटम अब इसके पीछे कारण क्या है मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले एक चीज बात करिए एक बात समझिए कि कभी भी अवेयरनेस कभी भी एक बंदे के लिए बुरी चीज नहीं होती है मतलब कहने का है कि आज सोशल मीडिया के दौर में आपके पास गूगल है आपके पास यूट्यूब है फेसबुक है व्हाट्सएप है आपके पास लाखों की तादाद में एक एक बीमारी के कम्युनिटी फोरम्स हैं कम्युनिटी ब्लॉग्स हैं तो कभी भी अपनी बीमारी के बारे में जानना कभी भी बुरा नहीं होता मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये चीज नहीं करें ठीक है ना मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कभी भी अपनी बीमारी के बारे में आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना करें बट फिर मैंने क्यों इस थंबनेल का ऊपर टाइटल दिया है इस वीडियो का कि नेवर गूगल यूर Because, दोस्तों इंडिया के अंदर एक्चुअली जो लोगों के अंदर अभी भी आज की डेट में भी मेडिकल लिटरेसी नहीं है आप मेरी बात समझिए कि ये जो भारत देश है खासकर ठीक है हम लोग यहाँ पे इलिटरेसी के मारे हैं मतलब वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट लिटरेट हम लिटरेट नहीं है हम सिर्फ एजुकेटेड है पहली चीज इस देश को तीन प्रकार की इलिटरेसी बर्बाद कर रही है और करके मानेगी जो पहली ल इिटरेसी हम पोलिटिकल इनलिटरेसी को देख रहे हैं किस तरह से कि, किन मुद्दों के ऊपर चल रहा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद तो है वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं. तो वी आर पॉलिटिकली इनिट्रेट जो दूसरी इिट्रेसी देश में दैट इज फाइनेंशियल इलिटरेसी और जो तीसरी इलिट्रेसी देश के अंदर दैट इज द मेडिकल इनलिट्रेसी आप लोगों को सुनने में जरूर थोड़ी बेइजती फील होगी

नुस्खे, नीम हकीम वाले घरेलू उपचार के तलाश में नहीं होते आपको बीमारी होती और बीमारी होने के साथ साथ आप उसका ऑथेंटिक ट्रीटमेंट के लिए परस्यू करते किसी अच्छे डॉक्टर को पर आप ये नहीं करते आप लोग तब तक अपने घर में देसी तरीकों से सोशल मीडिया पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे बताए जाने वाले नुस्खों मतलब यूट्यूब पे रेपुटेटेड डॉक्टर भी है रेपुटेटेड डॉक्टर की एक पूरी कम्युनिटी बट आप उनको परस्यूव नहीं करते आप जाते हो देशी नुस्खा घरेलू उपचार तो यह बताता है कि आप मेडिकली इलिटरेट हैं आप मेडिकली इलिटरेट हैं ये इस बात से भी पता चलता है कि जब भी आपके घर में किसी को कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर को दिखाने के बजाय अपने मोहल्ले के पहचान वाले मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले से बीमारी बता करके दवा लेते हैं यही एक सबूत है आप लोगों का मेडिकली इलिटरेट होने का टाइफॉइड और ऐसी कई बीमारियों में जो चिकन पॉक्स वगैरह के अंदर आज भी लोग बाबा बैरागियों को परस्यूव करते हैं पीलिया है या फिर ज्वाइन होने में मैंने हजारों बार सुना है कि वो तो वहां पे उस गांव में ये बहुत और ये वेल एजुकेटेड आदमी भी ये करता है कि वो कोई गांव में कोई एक हकीम को पकड़ता है बोले कहाँ जा रहा है मैं पीलिया झड़वाने जा रहा हूँ मोती झरा झड़वाने जा रहा हूँ मतलब टाइफाइड के झाड़ झाड़पूख से इलाज तो ये सारे एग्जाम्पल है कि आप लोग हैं मेडिकली इलिटरेट तो जब मेडिकली लिटरेट आदमी के हाथ में डाटा लगता है और जब मेडिकली इलिटरेट आदमी के हाथ में ऐसा खजाना लगता है सोशल मीडिया जैसा जिसके ऊपर उसको होने वाली बीमारी के साइन से लेके सिम्टम से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रीटमेंट तक उसको सब अवेलेबल मिलता है तो आप लोगों के लिए जो मैंने ये थंबनेल बनाया है कि नेवर गूगल योर सिम्टम वो इसलिए है कि आप लोगों को यह नहीं पता है कि अपनी आर एन डी किस पॉइंट पे रोकनी है मतलब कहने का है कि आपको बस वहां तक एक रिसर्च करनी चाहिए भाई हाँ मुझे क्या बीमारी है ठीक है ना अगर किसी डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस बना करके दिया है कि साहब आपको ये बीमारी है तो आपको सिर्फ आर एनडी वहां तक करनी है कि आप उसको वेरीफाई कर पाओ कि ये डॉक्टर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा क्योंकि हम लोग है मेडिकली इलिटरेट और हम मेडिकली जो इलिटरेट लोग हैं हम लोगों का एक लंबे समय से कटता आ रहा है मेडिकल सर्विसेस के नाम पे हमको हर कोई लूट रहा है, हमको ने लूटा, हमको हर ने लूटा है और आप लोग अगर ये वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसी घटना होगी हुई होगी कोई मेडिकल फिटर्निटी के बंदे ने या तो वो कोई डॉक्टर हो सकता है कोई हॉस्पिटल हो सकता है कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है उसने आपका तरीके से काटा हो तो क्योंकि हमारे देश में लूटा मारी हर जगह है उसी तरह से हमारे देश में मेडिकल इंडस्ट्री में भी भयंकर लूटा मारी तो हमको अपनी रिसर्च सिर्फ वहां तक रखनी है दोस्तों कि हाँ हम उसको वेरीफाई कर पाए कि डॉक्टर ने अगर बोला है कि यू आर हैविंग दिस डिजीज आपको हाइपोथाइरोडिज्म है तो हमको बस वहां तक एक रिसर्च करनी है कि भाई हा की वेदर ही इज करेक्ट और नॉट ये हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है ये कहीं हमको पागल तो नहीं बना रहा है ये कहीं हमारे मेडिकली इलिटरेट होने का फायदा तो नहीं उठा रहा है आपको एक्चुअली अपनी रिसर्च उस जगह पे खत्म कर देनी चाहिए पर आप लोग हो मेडिकली इलिटरेट आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च खत्म कहाँ करनी आप उसको खत्म करना कहाँ पे समझते हो कि जब तक आप उसका किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बताई गई कोई मेडिसिन का सेवन खुद नहीं कर लेते तो तब तक आप रुकते नहीं हो आप लोगों को ये नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ ट्रीटमेंट एंड आर एन डी आर एन डी और खुद के इलाज करने में फर्क होता है आर एन डी में सिर्फ ज्ञान तक बात को सीमित रखा जाता है कि हाँ यार मुझे ये बीमारी है आपने उसके बारे में रिसर्च की हाँ यार ये मेरे साइन यही थे मेरे सिम्टम्स यही थे हाँ हाँ डॉक्टर ने तो यही इन्वेस्टिगेशन कराया है इन्वेस्टिगेशन में यही फाइंडिंग्स है तो मैं बिल्कुल मिलती जुलती मेरे सिम्टम है मतलब हाँ डॉक्टर ठीक कह रहे हैं मुझे यही है मुझे, मुझे हाइपोथाइर ही है आपको यहाँ रुक जाना चाहिए उसके बाद आपको क्या करना चाहिए उस डॉक्टर के ऊपर रिलाय करना चाहिए कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे अच्छी दवा देंगे मैं सही हो जाऊंगा बट आप लोग ऐसा नहीं करते हैं आप लोग करते क्या हैं आप उससे और दो कदम छह कदम आगे जाते हैं आप फिर निकालते हो उसका ट्रीटमेंट या तो फिर आप कोई अगर जैसा भी आपकी माइंड सेट हो अगर आप बहुत ही ज्यादा पुराने रूढ़ी बिल्कुल ही अनपढ़ हो तो आप उसके घरेलू नुस्खे ढूंढते हो कोई नीम हकीम को तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे या फिर आपके यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा घरेलू नुस्खे वाला चैनल आप जाते हो सब्सक्राइब करते हो और वो जो जो बताता है आप वो बिल्कुल ब्लाइंडली वो एक्सपेरिमेंट करते हैं आजकल होम्योपैथी के भी बहुत सारे चैनल हो गए हैं मेरा भी उसमें से एक है है ना पर आपने एक फर्क देखा होगा कि बाकी चैनलों पे बोला जाता है ये दवा खा लो तुम और हम बोलते हैं कि भाई हम ये एजुकेशन के लिए बता रहे हैं दिस इज सजेशन फ्रॉम माई साइड और आप अपने एरिए में आपके होम्योपैथ से संपर्क के बाद उससे चर्चा के बाद उसको ये वीडियो का रेफरेंस देने के बाद ही आप दवा आप लोग कुछ नहीं करना चाहते आपको बस वो मेडिसिन लेनी है आप खा लेते हैं और दोस्तों मेरी पंद्रह साल की खासकर पिछले छह सात साल के अंदर मैं इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हूँ पेशेंट इतनी ज्यादा करके आता है कि वो हमको इनफेक्ट हमारे होम्योपैथिक फील्ड की ही मेडिसिन सजेस्ट करता है सर मैंने पे रिसर्च करी मेरे को इतनी छह दवाओं का नाम पता चला आप देख लीजिए आपके काम आए तो देखिए आप लोग समझिए इस बात को इसलिए क्योंकि आप लोगों को एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं पता बिटवीन द ओनली नॉलेज एंड सेल्फ ट्रीटमेंट के बीच में आप लोग नॉलेज लेने

ने हफ्ते दस दिन का रिसर्च करा कुछ चालीस पचास वीडियो देखे फिर आपको क्या लगता है कि अब मैं इस बीमारी का सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी डॉक्टर से ज्यादा अच्छे रिजल्ट तो मैं ही पैदा कर सकता हूँ तो ये आपकी गलतफहमी है आप दस साल का जो एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस है उसको दस बीस दिन की स्टडी से आप बीट नहीं कर सकते और आप खुद का इलाज तो कभी भी नहीं कर सकते गूगल यूट्यूब फेसबुक के थ्रू या वहां के कोई भी वीडियो का रेफरेंस ले तो ये था एक दोस्तों वीडियो जिसके अंदर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ और एक और चीज लास्ट पॉइंट कि इससे होता क्या है जब आप अपनी बीमारी के बारे में बहुत रिसर्च कर लेते हो तो आपके दिमाग में कीड़ा है कि आप हो ज्यादा ज्ञानी और जो सामने आपके डॉक्टर बैठा है जिसकी दस पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है वो है नहायती बेवकूफ तो आपका जो उसके ऊपर एक फेथ होता है वो फेथ आपका नहीं रह जाता कोशिश करते हो जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा आप उन मेडिसिन से उसको मिलाने की कोशिश करोगे की यार मेरे क्या रिसर्च में निकाला था और डॉक्टर ने मुझे क्या दिया और जब वो नहीं मिलता तो आप डॉक्टर के ऊपर एक डाउट पैदा होता है। है, तो और और मेरा स्टडी रिसर्च इन लोगों के बारे में ये बताता ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी खुद की बीमारी में जरूरत से ज्यादा दखल रखता हो, अपनी खुद की बीमारी के जानता हो इंक्लूडिंग इट्स ट्रीटमेंट विच इज गिवन ऑन द सोशल मीडिया पे, पे व्हाट्सएप तो दोस्तों ऐसे पेशेंट को रैशनली ट्रीट करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और ऐसे लोग किसी के ऊपर खुद को छोड़ के विश्वास नहीं करते और खुद की रिसर्च में कोई दम नहीं है तो खुद का वो इलाज करते रहते हैं फलस्वरूप बीमारी जस की तस होती है प्लस दिन दुगनी और रात चौगनी प्रोग्रेस करती जाती है तो ये था छोटा सा वीडियो आप सबकी जानकारी के लिए कि यू हैव टू तो नेवर एवर डू द गूगल ऑफ योर सिम्टम और अपनी बीमारी के बारे में एक हद से ज्यादा जानने की कोशिश मत करिए खासकर उसका खुद के द्वारा सेल्फ ट्रीटमेंट की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़ने के लिए इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को साढ़े चार बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार